आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन की व्यवस्था से हर कोई परिचित है, लेकिन रांची के काके ब्लॉक में फर्जीवाड़े की हद हो गई है, क्योंकि बच्चों को घी लगी रोटी, घी वाली सूजी और पुआ देने के नाम पर हजारों रुपयों की निकासी की गई है। रिपोर्ट देखिए। कांके ब्लॉक में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के इस बिल को जरा गौर से देखिए। इस बिल में बच्चों के लिए घी और पापड़ तक खरीदे गए हैं, हलवा के लिए सूजी खरीदा गया है और पुआ बनाने के लिए गुड़ और चीनी भी खरीदी गई है। यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरी ईमानदारी की छौक लगाई गई है। कहानी यही खत्म नहीं होती। आंगनबाड़ी संचालिका दो लोगों ने एक ही दिन और एक ही दुकान से एक ही तरह के सामान खरीदे हैं। एक का बिल आया है 3,645 रुपए और दूसरे का बिल आया है 3,695। यानी पूरी ईमानदारी और दरिया दिली। आंगनबाड़ी संचालिका ऐसी खरीद को सही कह रही है। भोलेनाथ भंडार, भोलेनाथ भंडार रातू चट्टी का ठिकाना। रसीद सही है? हाँ। सामान खरीदे हैं? हाँ। सच सच बोलिए, बोला के मेरे कोई सामान नहीं गया। हाँ, हम खरीदे हैं। खाली बिल लेके चले गए दीदी, हाँ हाँ, खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, खरीदे हैं हम। इधर कांके ब्लॉक के अधिकारी ऐसे किसी सवालों से कन्नी काटते नजर आते हैं। वजह साफ है कि दाल वाले बिल में कुछ न कुछ काला जरूर है। अधिकारी कहती है कि बिल पर विश्वास नहीं किया जाता, लिहाजा बच्चों की संख्या के आधार पर बिल पास किया जाता है। हम लोग तो उसका लाभार्थी अनुसार पास करते हैं, जितना भी लाभार्थी आता है ना उसी का पास करते हैं। तो घी तेल तो सभी आंगनबाड़ी वाले लोग खरीदते हैं, उसमें नाश्ता में भी मिलता है और खिचड़ी में भी दिया जाता है। घी घी ही उसमें घी ही लिखा रहता है ना, सेविका लोग उसमें लिखा हुआ ही है, जो ऑर्डर है ना उसी में, जो हम लोग का लिखित बिल को हम लोग लाभार्थी अनुसार करते हैं। लाभार्थी अनुसार जितना पैसा बनता है ना उसी को हम लोग देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। जितना भी लोग बिल बनाते हैं ना, नहीं देते हैं उतना पैसा। फिलहाल कहना मुश्किल नहीं होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे कम से कम घी लगी रोटी तो नहीं खाते होंगे। न्यूज़लैंड भारत के लिए रांची से कैमरामैन कुणाल के साथ अजलाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़11 भारत, सच है तो दिखेगा।